नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के आरा रोड अयांश आईटीआई कैंपस के बाहर, और मैं वह दृश्य को दिखाने जा रहा हूं जो आप युवाओं के लिए यह खुशखबरी की चीज है। खुशखबरी इसलिए है कि मैं बता दूं कि अयांश आईटीआई के द्वारा प्रति वर्ष यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन किया जाता है, मतलब कि बहुत सी सारी कंपनियां आती है और बच्चों को सिलेक्ट करके बाहर नौकरी करने के लिए ले जाया जाता है। और तमाम यहाँ के जिले से ही नहीं, पूरे राज्य से भी लोग आते हैं और यहाँ पे अलग अलग कंपनी भी आती है और कंपनी आकर बच्चों को सिलेक्ट करती है और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नौकरी के लिए बाहर ले जाया जाता है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि ये अयांश आईटीआई है और इसके जो निर्देशक हैं आशुतोष रंजन जी, उनके द्वारा प्रति वर्ष में दो बार यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। कैंपस में अलग अलग इस कैंपस में अलग अलग कंपनी जो है तमाम जिले से, तमाम राज्य से कंपनियां यहां पर आती हैं और जितने भी पास आउट बच्चे हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि यहां रोजगार देने का काम किया जाता है। और यह रोजगार युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि जितने भी पास आउट बच्चे हैं जो आईटीआई किए हुए हैं, यहां पर आकर आप रोजगार ले सकते हैं। और मैं वह दृश्य को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि तमाम बैनर और फ्लैश बोर्ड लगा हुआ है जो प्रति वर्ष और हर महीने में दो बार यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट किया जाता है। अलग अलग यहाँ पर कंपनी आती है, अलग अलग यहाँ पर कंपनी आकर बच्चों को सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद बाहर ले जाती है। यहीं पे इस आईटीआई के जो निर्देशक हैं आशुतोष रंजन जी, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा यहाँ पर किस तरह के बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है। मेरे साथ जो मौजूद हैं अयांश आईटीआई के निर्देशक जो आशुतोष रंजन सर हैं, सर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, मीडिया दर्शन के पूरे टीम को धन्यवाद जो हमारे अयांश आईटीआई में आए हुए हैं, सभी को धन्यवाद। इस आईटीआई के बारे में कुछ हमको बताइए। ये आईटीआई आरा रोड विक्रमगंज में स्थित है। यहाँ पर दो ट्रेड की पढ़ाई की जाती है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड की। ये आईटीआई 2016 से संचालित है। कौन कौन आपके यहाँ कोर्स कराया जाता है? हमारे यहाँ दो कोर्सेज कराए जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, दो ट्रेड। जब बच्चे आपके आईटीआई से पास आउट कर जाते हैं तो जॉब के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई? सर, ऐसा है कि मेरे यहाँ प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 से 7 कंपनियां कैंपस के लिए आती है और हर एक बार मैं ये लिखित के साथ कहता हूँ कि जो मेरे यहाँ से बच्चे आईटीआई पास करते हैं उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। इसी वर्ष जनवरी से लेकर फरवरी तक 4 बार कंपनी मेरे यहाँ कैंपस कर चुकी है। अप्रेंटिस के लिए बच्चे बाहर जा सकते हैं या नहीं? अप्रेंटिस के लिए हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं। पिछले बार जुबिलेंट फुटवर्क नोएडा की कंपनी आई हुई थी, फिर उनसे बातचीत चल रही है और शीघ्र ही आईटीआई में आएंगे। जो आपके यहाँ कैंपस प्रति महीना में 2-3 बार लगाया जाता है, यहाँ केवल आपके आईटीआई के ही बच्चे रहते हैं या बाहर के भी आईटीआई के बच्चे रहते हैं? नहीं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे यहाँ बच्चे आके जॉब ले सकते हैं, स्किल्ड जो है आईटीआई किए हुए हैं। ये प्रतिबंध नहीं है कि जो बच्चे अयांश आईटीआई में पढ़ते हैं उन्हीं को जॉब दिया जाएगा। आज आपके यहाँ कैंपस सिलेक्शन किया जा रहा है, टाटा मोटर्स कंपनी के लोग गुजरात से आए हुए हैं, कितने लोगों को सिलेक्शन करना है? अभी जो हम फॉर्म बांटे हैं करीब करीब 300 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें से 200 से 225 बच्चे का सिलेक्शन होगा। अच्छा सर, आपके यहाँ लोग कह रहे हैं कि प्रति माह में 2-3 बार कैंपस सिलेक्शन किया जाता है, कौन कौन सी कंपनियाँ आपके यहाँ सिलेक्शन करने के लिए आती हैं? फरवरी माह का ही मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि आज 24 तारीख को टाटा मोटर का किया गया, 19 फरवरी को हीरो साइकिल, एवन साइकिल और हुंडई मोटर का कैंपस 19 फरवरी को किया गया। इसके पहले 31 जनवरी को टाटा मोटर्स का प्लेसमेंट किया गया था, उसके पहले 20 जनवरी को टाटा मोटर का प्लेसमेंट किया गया था। मीन्स जनवरी से लेकर पूरे फरवरी तक हमारे यहाँ चौथा बार प्लेसमेंट किया जा रहा है और मोर देन 500 बच्चे यहाँ से नौकरी प्राप्त किए और कंपनी में जाके अपना जॉब कर रहे हैं। मतलब कि कहीं जिले के, कहीं कोई भी स्टेट के बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, आईटीआई कर लिए हैं दोनों कोर्सों से, मैकेनिकल और फिटर, तो कहीं के भी बच्चे आपके यहाँ जॉब के लिए आ सकते हैं कैंपस सिलेक्शन? सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो दो ट्रेड चलते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेड के जितने भी ट्रेड होते हैं
किसी भी ट्रेड के पास आउट बच्चे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं जॉब के लिए। और ये जो है हम लोग मोदी जी के विजन पर काम कर रहे हैं। एक बार मोदी जी बोले थे कि हमको IIT नहीं ITI चाहिए। अब सोचिए कि मेरे जैसा एक छोटा ITI 500 बच्चों का रोजगार दे दिया तो पूरे देश में 11,000 से 12,000 ITI है और उतना मेहनत करे तो कितने बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर एक स्किल्ड बच्चे जो ITI कर ले उनको मैं नौकरी दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। और इसके बाद जो आज आपके यहाँ कैंपस चल रहा है, लोग बाहर के लोग आए हुए हैं, टाटा मोटर्स के लोग आए हुए हैं, इसके बाद और कोई कंपनी आने वाली है क्या? मेरे यहाँ बहुत जल्द ही जुबिलेंट फूडवर्क, मदरसन, और एक बार मैं फिर टाटा मोटर वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। दो तीन कंपनियां, एलएन सोली एक कंपनी है जो फरीदाबाद की है, मोटर की कंपनी है, पार्ट्स बनाती है, वो भी मेरे टच में है। तो 3-4 कंपनियां तो पाइपलाइन में है। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 महीना में और 3-4 प्लेसमेंट कराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अयांश ITI के निर्देशक आशुतोष रंजन सर हैं, जो इनका ये यही खुद का ये ITI है, अयांश ITI है, और प्रति वर्ष और हर माह में 2-3 बार इनके ITI में बच्चों का कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पे तमाम जिले ही नहीं, अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं जो पास आउट कर गए हैं ITI करके और जो रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए सुनहरा ऑफर भी दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रति महीनों में 2 बार यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यही वो ITI कैंपस है जहाँ पर बच्चों का रोजगार दिया जा रहा है। अलग अलग कंपनियां यहाँ पर आती है और प्रति माह में 2 बार यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे में गुजरात से एक कंपनी से आए हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश रंजन है। कौन सी कंपनी से आप आए? मैं टाटा मोटर्स के लिए अभी वैकेंसी कर रहा हूँ, सुकमा ग्रुप की तरफ से। अच्छा, टाटा मोटर्स के द्वारा वैकेंसी कर रहे हैं, टोटल ITI के जो छात्र हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप किस तरह के बच्चों को सिलेक्शन करते हैं? हमारे यहाँ जो ITI पास कर चुके बच्चे हैं, जो किसी भी टेक्निकल ट्रेड से ITI पास आउट हो चुके हैं और जो हमारे मानकों के हिसाब से बैठते हैं, वैसे लड़कों का सिलेक्शन किया जाता है जिनको टाटा मोटर्स आनंद प्लांट के लिए हम ले जाएंगे, वहाँ काम करना होता है। इनका जो वर्क प्लेस होता है वो टाटा मोटर्स आनंद होगा। तो यहाँ से कौन से स्टेट में ले जाइएगा? ये जो बच्चे हैं फिलहाल गुजरात स्टेट में अहमदाबाद जिले में जाएंगे, अहमदाबाद के सानंद, टाटा मोटर्स आनंद प्लांट के लिए। कितने बच्चों को आपको सिलेक्शन करना है लगभग? फिलहाल मेरे पास 300 वैकेंसी है अभी, तो इस हिसाब से हमें 300 लड़के अभी चाहिए। सर 300 है, और ये जो बच्चे हैं जो ITI किए हुए हैं यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग कितने होंगे ये? अभी हमारे पास लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे उपस्थित हैं और कुछ वैसे बच्चे दूसरे हॉल में बैठे हुए हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 250 से 300 बच्चे अभी उपस्थित हैं। रोहतास में आप रोहतास के विक्रमगंज में आए हैं, जो अयांश ITI है, यहाँ कई बार आप आ चुके हैं? यहाँ कुल मिला के बाकी मेरे टीम के लोग पहले आए हैं, 3 बार मेरी टीम के दूसरे लोग आ चुके हैं और ITI की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो इस वजह से इस बार मैं पर्सनली आया और सर से मेरी बात हुई तो सर से विश्वास दिलाया कि आपको 300 लड़के चाहिए, जो आपकी इनके ITI से मेरी सारी वैकेंसी एक ही जगह एक ही प्लेस से मिल सकती है, तो इस करके इस बार मैं पर्सनली आया। इसके पहले मेरी टीम से लोग 3 बार आ चुके हैं और 3 बार यहाँ से लड़के काफ़ी संख्या में जा चुके हैं। देख सकते हैं कि ये गुजरात से आए हुए हैं और बच्चों का यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे हैं जो यहाँ पर इनका एक तरह से सिलेक्शन किया जा रहा है। ये ITI के बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ऐसे में जितने भी जिले के बच्चे हैं जो ITI किए हैं वो आकर यहाँ इस कैंपस में भाग ले भी सकते हैं सर? बिल्कुल सर, वैसे जितने भी लड़के हैं जिन्होंने ITI कर रखा है, ITI किसी भी ट्रेड से उनका है, टेक्निकल ट्रेड से है, उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, 18 से 28 वर्ष तक की तय सीमा के भीतर है और हमारे मेडिकल जो है, हमारा जो मेडिकल होता है उसके तय मानकों के हिसाब से वो सारे बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। अच्छा, सैलरी उली आप लोग भी तय करते होंगे ना? बिल्कुल, यहाँ जो इन लड़कों को जो है 16,300 रुपये का CTC पैकेज मिलेगा, जो प्रति माह CTC होगा जो 16,300 रुपये। जैसे कि अभी आपने सुना आशुतोष रंजन जी से, जो अयांश ITI के निर्देशक है, साफ तौर पे उनको कहना है कि प्रति वर्ष यहाँ पर कंपनी आती है और हर महीने में 2 बार कंपनियां आती हैं, जो जितने भी बच्चे ITI किए हुए हैं, जो पास आउट बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाता है और यहाँ पे लगातार प्रति महीने यहाँ पर कोई ना कोई
कंपनियां आती है और कंपनी आकर बच्चों को सिलेक्शन करती है, सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करने के बाद यहां से अदर स्टेट के लिए नौकरी करने के लिए बच्चों को ले जाया जाता है। फिलहाल यहां पे मैं बता दूं कि टाटा मोटर्स की कंपनी आई हुई है, गुजरात की टीम यहां पर पहुंची हुई है और यहां पे बच्चों का सिलेक्शन जारी है और यहां पे तमाम जिले से बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि जितने भी आईटीआई के होल्डर हैं, रोहतास जिला ही नहीं अदरवाइज स्टेट के भी यहां पे बच्चे आ सकते हैं और आकर भाग ले सकते हैं और यहां पे तमाम कंपनियां, यहां पर जो अयांस आईटीआई है इसमें तमाम कंपनी आती है और बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और बच्चों को रोजगार दिया जाता है। तब तक आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।